हेलो सर। सुने, इधर है तू? गंटूर में हूँ सर। देख, इस मैटर में डायरेक्टली टांग मत घुसाना, पीछे से डायरेक्शन करना। अगर मैं फेल हुआ तो शक्ल नहीं दिखाऊंगा। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, या फिर जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांसें चलेंगी, तेरे पैर रुके तो ये बंदूक चलेगी। दोस्तों, ऐसे ही एक डायलॉग हम अजय देवगन की भोला फिल्म में देखेंगे। जैसा गब्बर ने बसंती को नाचने पर मजबूर किया, ऐसा ही एक आइटम सॉन्ग भोला में भी दिखने वाला है, जिसमें हमें साउथ से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली राय लक्ष्मी नजर आएंगी। साउथ एक्ट्रेस राय लक्ष्मी ने फिल्म इंडस्ट्री में 18 साल पूरे कर लिए हैं। अभिनेत्री ने सन 2005 की तमिल फिल्म कर का कसादरा से अपनी शुरुआत की। उसके बाद वे कई तमिल फिल्मों में शामिल हुई, साथ ही चमकदार धर्मपुरी, नेंजई थोड़ू, वेल्ली थिराई और धाम धूम में भी वो नजर आई। बाद में उन्होंने तमिल और कन्नड़ फिल्मों में काम किया। राय लक्ष्मी ने बॉलीवुड और मलयालम फिल्मों में भी काम किया है। दोस्तों, अभिनेत्री ने श्रीकांत मेका के साथ फिल्म कंचन माला केबल टीवी के साथ तेलुगु उद्योग में प्रवेश किया। उन्होंने वाल्मीकि के साथ कन्नड़ उद्योग में अपनी शुरुआत की। दोस्तों, राय लक्ष्मी की मलयालम फिल्मों की शुरुआत सन 2007 में रॉक एंड रोल में हुई थी। फिल्म जूली 2 से एक्ट्रेस ने 2017 में बॉलीवुड में डेब्यू किया था। राय लक्ष्मी ने डांसर के रूप में भी अपने भारतीय दर्शकों को प्रभावित किया है। उनकी प्रतिभा को भारतीय मनोरंजन उद्योग द्वारा पहचाना जा रहा है, चाहे वो दक्षिण हो या बॉलीवुड। मुख्य रूप से तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म उद्योगों में देखी जाने वाली अभिनेत्री के प्रशंसकों को उस दिन का इंतजार है जब वो बॉलीवुड स्टार के साथ स्क्रीन साझा करेंगी। वो जल्द ही उनके सपनों को साकार करेंगी। दोस्तों, उन्हें अभी हाल ही में अजय देवगन की भोला के सेट पर देखा गया था, जिसके कारण इंटरनेट पर उनके द्वारा फिल्म में एक विशेष गीत करने के बारे में कई अटकलें लगाई जा रही थी, जिस पर आज कंफर्मेशन आया है। ये एक देसी सॉन्ग होने वाला है, जिसमें आइटम सॉन्ग के साथ साथ एक्शन सीन्स भी दिखने वाला है। दोस्तों, भोला की बात करें तो ये फिल्म तमिल ब्लॉकबस्टर कैथी का आधिकारिक रीमेक है। फिल्म का निर्देशन धर्मेंद्र शर्मा ने किया है और इसमें अजय देवगन और तब्बू मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये 2023 में रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। फिल्म की कहानी एक कैदी के इर्द गिर्द घूमती है, जो जेल से छूटने के बाद अपनी बेटी की तलाश में जाता है, लेकिन एक ड्रग ग्रुप के छापे के कारण बाधित हो जाता है। दोस्तों, फिल्म 30 मार्च को रिलीज हो रही है, तो आप हमें लगे हाथ फटाफट से बताइए कि आपको इस फिल्म का कितना इंतजार है, और अपनी ये राय हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर साझा करिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।